कब राम मंदिर तामीर होगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसी वादे के साथ इख्तदार में आई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में या 17 के चुनाव में राम जन्मभूमि मंदिर का एजेंडा नहीं रखा था। हमने लोक कल्याण संकल्प घोषित किया था, जिसके भीतर हमने विभिन्न प्रकार के किसानों के कल्याणकारी कार्यक्रम या प्रदेश की जनता के कल्याणकारी कार्यक्रम रखे थे। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी पूरी इच्छा ये है कि श्री राम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर बने और उसमें जितना जल्दी शीघ्रता के साथ निर्णय सुप्रीम कोर्ट कर देगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। उनका निर्णय प्रतीक्षित था, उन्होंने स्थगित कर दिया, जिससे ये आज समस्याएं कुछ बनी हैं, लेकिन उसका वैधानिक तरीके से उसका समाधान होगा और जितना जल्दी सुनवाई हो जाएगी उतना ज़्यादा अच्छा। 2019 से पहले संभव है? अब ये मैं नहीं कह सकता। हम ये चाहते हैं कि जितना जल्दी वहाँ पर राम जन्मभूमि मंदिर बन जाए उतना अच्छा होगा, और देश की जनता भी यही चाहती है। खरीदारी की, दलहन और तिलहन की भी खरीदारी की है, आगे भी करने वाले हैं। गन्ना किसानों को अब तक 30,000 करोड़ रुपए का भुगतान पिछले पेराई सत्र से लेकर के और अब तक हम कर चुके हैं। ये अपने में रिकॉर्ड है। अखिलेश यादव जी की सरकार में कुल मैक्सिमम भुगतान 17,000 करोड़ रुपये का था और हमने 30,000 करोड़ का किया। उनके ज़माने में तीन साल के बकाए रहते थे। हमारे यहाँ का जो बकाया है वो 30 नवंबर को भुगतान हो जाएगा, इसकी जो काम लोगों ने सुने करके। कुछ राजनीतिक दल, उनका काम है कि वो विरोध करेंगे, किसान को गुमराह करेंगे। उसमें से कुछ लोगों ने करने का प्रयास किया लेकिन वो पूर्णतया असफल रहे और फिर वो लौट करके वापस अपने अपने स्थान पर चले गए।